ज़्यादा से ज़्यादा बीफ खाओ, जितना हो सके उतना गाय और भैंस का गोश्त खाओ। मटन चिकन से ज़्यादा गाय और भैंस का गोश्त खाना शुरू करो। अपनी जनता को ये नसीहत बीजेपी के एक वजीर ने की है। जी हाँ, आपने सही सुना, वही बीजेपी जो गाय के नाम पर सियासत करती है, जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले गावकशी के आरोप में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, उसी पार्टी के एक वजीर ने जनता को नसीहत कर डाली है कि जितना हो सके उतना बीफ खाओ। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आसाम के वजीर आला को धमकी भी दे दी है। आइए बताते हैं पूरी तफसीलात। मेघालय में बीजेपी हुकूमत है, जहाँ के एक वजीर संबूर शोली ने रियासत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में बीफ खाने की सलाह दी है। लेसी रहेगा सरकार बीजेपी का बदनाम बन रही हूँ कुम बीजेपी एम एल एन कुम आता इशू ना बन खरे और ना हाब ले छोड़े मन कर मसी बन तुम छा छा जने लगन बाम हजाका जो दो अबलंग दो सेर बाम बाहर दो मसी एनकरेज पीपल टू ईट मोर बीफ दन चिकन दन मटन वाई Why? Because it will subside that you see that wrong information in the mind of the people that the BJP is will impose this cow slaughter. मवेशी परवरी वेटरनरी के वजीर संबूर शोली ने अपने बयान में कहा कि चिकन मटन और मछली के बजाय बीफ खाएं, ताकि अकलीती तबके से वाबस्ता लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए कि बीजेपी गाय को ज़बह करने पर पाबंदी आयद करेगी। संबूर शोली ने गुज़िश्ता हफ्ते ही नए वजीर के तौर पर हलफ उठाया है। ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लिहाजा यहाँ हर कोई अपनी पसंद का खाना खाने के लिए आज़ाद है। संबूर शोली ने यकीन दहानी की कि वह आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से बात करेंगे और यकीन बनाएंगे कि आसाम के नए गाय से मुतालिक कानून के सबब मेघालय के लिए मवेशियों की नकल व हमल मुतासर ना हो। वजीर मौसूफ ने आसाम मेघालय के दरमियान सरहदी तनाज़े पर भी लपकुशाई की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि रियासत अपनी सरहद और अपने लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि अगर आसाम के लोग सरहदी इलाकों में हमारे लोगों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये सिर्फ बातें करने या चाय पीने का वक्त नहीं होगा, हमें जवाब देना होगा, हमें मौके पर कार्रवाई करनी होगी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि वो तशद्दुद की हिमायत नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।